नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गुरुजी स्टडी पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अनुच्छेद 45 के अनुसार बच्चों की देखरेख का प्रावधान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष तक। अनुच्छेद 45 के अनुसार बच्चों की देखरेख का प्रावधान 6 वर्ष तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51। देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जिसको पता हो वो कमेंट करके बताए। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जिसे पता हो वो कमेंट करके बताए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संसद का एक अंग नहीं होता है? जिसे पता हो वो बताए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल संसद का अंग नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यसभा को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सबको पता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80। देखिए अनुच्छेद 81 में आपकी लोकसभा आ जाती है, 79 में संसद है और 82 में जनगणना है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये साथ साथ कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछते रहते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न, गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना अनिवार्य होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1/10 लोगों का। देखते हैं अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112। देखिए 117 में वित्त विधेयक होता है और 111 में लोकसभा निर्णय लेगा। अगला प्रश्न, दल बदल के कानून का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये आपका हो जाएगा अनुसूची 10वीं। देखते हैं अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जिसे पता हो वो कमेंट करें। तो ये आपका हो जाएगा सन 2005 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं, सबको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ ये साथ ही साथ लिखते जरूर चलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो आती रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।